अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन परदेस। मेरे चैनल पर मैं आपको गोथनबर्ग की सैर कराऊंगी और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि हम परदेसी कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, हम क्या महसूस करते हैं और कैसे हम परदेस में खुद को एडजस्ट करते हैं। आज के व्लॉग में मैं आपको अपनी रिहाइश के आसपास का एरिया दिखाऊंगी। ये बस स्टॉप के साथ साथ एक छोटी सी मार्केट है। मार्केट के सामने थोड़ी से बैठने की जगह भी है अगर किसी ने बैठना हो। ये नर्सरी से 10th क्लास तक स्कूल है बच्चों के लिए, मेरे बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़े हैं। तकरीबन हर बिल्डिंग के सामने आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्ले ग्राउंड्स हैं और सिटिंग प्लेसेस हैं। जब भी टाइम मिले तो हम सहेलियाँ यहाँ बैठकर मिलकर चाय पीती हैं और बच्चे आसपास खेलते रहते हैं। हम अक्सर अपने देश की बातें करती हैं, जैसा कि पाकिस्तानी कल्चर, सियासत, कपड़े, खाने, क्योंकि कपड़े हम पाकिस्तान के पहनते हैं और खाने हम पाकिस्तान के पसंद करते हैं और चैनल्स भी हम पाकिस्तान के देखते हैं। यूँ कह लें कि परदेस में एक देश आबाद है। बच्चों के लिए एक प्ले ग्राउंड है, आप देख सकते हैं, साथ बैठने की जगह भी है छोटे बच्चों के लिए। ये भी एक माशाल्लाह बहुत प्यारी प्लेस है हमारे घर के सामने। यहाँ पर अक्सर मेरे हस्बैंड अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के गपशप लगाते हैं। ये हमारे घर के किचन से बैक साइड का व्यू है। यहाँ पर पार्किंग है, तकरीबन हर बिल्डिंग की बैक साइड या उसके साथ पार्किंग एरिया है। और ये हमारी बालकोनी से वो सामने दूर शहर भी नज़र आ रहा है और ये आसपास की बिल्डिंग्स हैं। अभी तो काफ़ी ग्रीनरी है लेकिन खिज़ा आने वाली है जैसा कि आप ये देख रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।